समस्या तो बहुत है बाबूजी। आप ये मेन रोड देख रहे हो, इस पर एक भी लाइट नहीं है यहाँ से वहाँ तक। ये मुख्य मार्ग है, सबसे मेन रोड है जो। और दूसरा जो है, यहाँ पे आप टंकी चला के देखो, पीने वाला जो पानी है ना, उसमें जो है नाले का पानी जा रहा है। आपको नहीं यकीन नहीं तो मैं खोल के दिखा देता हूँ। गली नंबर 3 में पीछे देखो, कॉलोनी में बहुत बुरा हाल है जी। पीने के लिए निकालते पानी, गार आ रहा है, उसमें काला काला पानी आ रहा है जी। इतनी बड़ी समस्या एक हो तो गिनवा जी। तो विधायक से नहीं कहते हैं आपकी? विधायक से बोल लीजिए, विधायक बोल रहा मेरे बस की काम नहीं है। बिल्कुल सरेंडर कर दिया विधायक? बिल्कुल जी, ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता बोल देते, मेरे क्षेत्र में नहीं है। क्यों? अब हमें क्या पता जी क्यों? हम तो बोलते डबुआ उन्हीं के क्षेत्र में। आपको पीछे दिखाता हूँ त्यागी मार्केट में, और यहाँ पे दिखाता हूँ अभी कुछ नहीं है जी। बिल्कुल लिखित में भी है, गए थे लिखित में भी है, लिखित में भी है, लिखित में भी है। अच्छा, पीछे कुछ ऐसे भी चर्चाएं रही कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोग विधायक के खिलाफ वोट देते हैं या समर्थन करते हैं कि नहीं दूसरे लोगों को, उनके साथ मारपीट कर दी जाती है, उन्हें जान से मारने की कोशिश होती है ना जी। जॉन से न पर वैसे धमका सटका तो है जी, तो थोड़ी धमकी। महेश मणि नगेंद्र भडाना के चाचा, वो इसी 307 के केस में ही जेल में है ना जी। वो इस चक्कर में नहीं है, मतलब इलेक्शन को कोई उनके अपने आपसी मैटर हो, उसमें कोई ऐसा वो नहीं। अच्छा। उनका आपसी मैटर था वो, इलेक्शन के बारे में कोई ऐसा हल्ला मचा अखबारों में खबर ना जी। बनाने को तो आप कुछ भी बना दो, अपने घर के इशू लेके खड़े हो जाओ, पर ऐसा कुछ मैटर नहीं इलेक्शन के बारे में। ऐसा कुछ महेश मणि को नहीं है, उनको अपना आपसी रंजिश ही कोई ही आपस में तू मैं उसके बारे में। महेश मणि बढ़िया आदमी है, नगेंद्र से 100 गुना बढ़िया आदमी, बढ़िया महेश मणि विकास करे, और आम आदमी है जी। बिल्कुल पार्षद ठीक है। आप भी बोलेंगे? अमर सिंह नाम है जी। अमर सिंह जी, हाँ जी। अमर सिंह जी, क्या क्या समस्या है? समस्या है कि हम नागेंद्र साहब मंत्री के पास गए थे नवादा गांव में, उनके घर के पास ही। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ मंत्री जी हैं तो भड़कल विधानसभा क्षेत्र से, विधायक जी जो हैं नवादा गांव तो भड़कल का हिस्सा है नहीं? और यह इस तो फरीदाबाद का होगा ना, NIT में तो नहीं आता नवादा गांव? नवादा गांव के रहने वाले हैं और प्रतिनिधित्व देते हैं। हाँ जी, नहीं NIT से नहीं सर, यही गाजीपुर रोड की कह रहा हूँ, 3 नंबर इधर गली में हमारे रिश्तेदार का है। अच्छा, आप तो आप घर गए? हाँ, तो गए हम लिखित में 3 नंबर गली में, ना तो बनी हुई है, सीवर लाइन बिल्कुल बने हुए हैं लेकिन बिल्कुल बंद पड़े हैं, चालू नहीं है, सारे टूटे हुए हैं वो। और पानी अभी कभी मोटर चला के देखेंगे तो पानी सीवर लाइन का पानी आता है उसमें, सीवर लाइन पीने लायक योग्य पानी नहीं निकल रहा। अगर हाथ में पानी ले लेंगे ना जी, उसमें 2 दिन तक उसकी बदबू नहीं जाती हाथ में से, 2 दिन तक बदबू नहीं जाती, इतना गंदा पानी आता। हाँ, कपड़े धोने योग्य नहीं है, कई बार शिकायत लेके गए हैं वहाँ पे भी, कई बार शिकायत। हाँ जी, पर काम नहीं, काम नहीं हुआ है। कितने नंबर देंगे अगर हम बात करें कि विधायक को 10 में से नंबर देने तो कितने देंगे? नंबर कितना, तो काम ही नहीं हो रहा था जी, क्या करें जी? तो नंबर तो देने पड़ेंगे। हाँ, नंबर कितना दोगे बताओ? आप बताओ ना, अब काम हो रहा है, मतलब मोदी जी करा रहे हैं कि मंत्री जी करा रहे हैं, आप दोगे नंबर? तो इस हिसाब से तो नंबर मिलेंगे ही नहीं, जिस हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो गलियों में जब कंप्लेंट लेके जा रहे हैं, कंप्लेंट नहीं हो रही है। 8 7 5 4 3 2 1 0 देखो, काम तो उन्होंने कुछ करा रखे हैं लेकिन जिस एरिया में समस्या है जनता का, उस समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा ना। जिस समाधान अगर जिसको हम लेके जा रहे हैं गली के, मूल समस्याएं खत्म नहीं हो रही, बिजली पानी सड़क सीवर लाइट स्ट्रीट लाइट, इनकी समस्याएं नहीं खत्म हो रही, तो और फिर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है गली में, लाइट आ नहीं रही है सर, लाइट देखो ये मेन रोड है, लाइट आ नहीं रही है भैया, लाइट आ नहीं रही है। ये गाजीपुर वाली रोड है, गाजीपुर लाइन है ये, और वो जो 2 नंबर की लाइन है जी, डब्बा गांव का जो स्कूल है 3 फुट गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ है, बारिश में टाइम में जाएंगे बालक पढ़ने को। ऐसे ही भौकरी गांव को 4 कमरे यहाँ बना दिए, 4 हो बना दिए, ये नहीं है मतलब एक सहूलियत से आगे पार्क भी बने स्कूल में ना, 4 कमरे यहाँ बनाए, 4 हो बना दिए, मतलब पूरी जमीन घेर दी जैसे कि कोई अवैध कॉलोनी बसा दी हो, एक तरीका से बनाया जा स्कूल। हाँ, सिस्टम से नहीं बनाया, एक तरफ बिल्डिंग बनते आगे पार्क भी बनते, बच्चे खेलते हैं उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देख लो डबुआ स्कूल में अव्यवस्थित विकास है, कुछ भी विकास नहीं है जी, विकास के नाम पे वोट ही वोट है बस, है नहीं बस कागजन में, बस विकास कर दिए पास हो गो, है कुछ भी नहीं। भौकरी गांव में देख लो, डबुआ गांव पार होते ही देख लो, 3-3 फुट गहरे गड्ढे नहीं हो, जहाँ जहाँ
आप भी इस इलाके के? थोड़ा सा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। क्या शुभ नाम आपका? योगेश नाम है जी मेरा, योगेश। योगेश जी, योगेश जी क्या है माहौल? विकास विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? नहीं हुआ, रोडों का तो जो विकास हुआ है यहाँ पे, रोड बन गए हैं। हाँ अच्छा, ये जी आपके सामने वाला, ये वाला तो बड़ा है, ठीक है। आगे वालों, बाकी अगले वाले टूटो पे ना, आगे कोई बना नहीं है। बाकी अभी भी जो ना गलियों का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हाँ जी। अच्छा, हम अगर कहें कि 10 में से नंबर देने विधायक जी को, तो कितने नंबर देंगे? जाहिर साहब थे जी, थोड़ा बहुत तो काम हुआ है, बाकी आधा पर्दा नहीं हुआ है। तो नंबर कितने? तो नंबर भी जो उसी हिसाब से ही है ना। फिर कितने? ये तो जो आप भी जो बता सकते हो। नहीं, 10 नंबर है हमारे हिसाब से, तो 10 पूरे किस हिसाब से है तो आप बताओ ना, कितने नंबर, 10 में से कितने? जब मैंने आपको ये बता दिया कि ना रोड आधी बनी है अभी, और जबकि आधी नहीं बनी है, तो ये बात तो आप भी जो बता सकते हो कि ना कितने मिलेंगे कितने नहीं। 4 नंबर। हाँ, तो बस इतने ही है। इतने ही है? हाँ। अच्छा अच्छा, ये विधानसभा बने 10 साल हो गए जी। इससे पहले तो ये एक NIT विधानसभा क्षेत्र होती थी, जो पूरी जिसमें बड़काल NIT सब होता था। हाँ जी, हाँ जी। और तब ये कहा जाता था कि इस विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार होता है, कोई विकास की कोई किरण यहाँ नहीं आती है, कोई पैसा यहाँ नहीं आता है, कोई फंड यहाँ नहीं आते हैं। अभी 10 साल हो गए, शिवचरण लाल शर्मा का समय और नगेंद्र भडाना का समय, कौन सा टाइम ज़्यादा अच्छा रहा? इस मामले थे जी ये बता सकते हैं, इस मामले जो मेरे को आप नहीं आए हैं इस इलाके में? नहीं है, नहीं हूँ, मेरे को इस बारे में नॉलेज है नहीं है, जो बात है क्लियर से। अच्छा, वो नहीं देखा आपने? वो नहीं देखा है मैंने। वो तो शिवचरण लाल नहीं करे जी काम, जो बात है अच्छे काम करे, चाहे वो निर्दलीय थे तभी तो जीते, ना कोई पार्टी उनके साथ में, ना कांग्रेस में थे, ना वो BJP में, ना INALO में, ना किसी में नहीं थे। नगाड़ा बजा, ढोल बजा। हाँ, आओ ना जी बाबा, आ जाओ आगे, आ जाओ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे विकास पहले हुए सिद्धन शर्मा के, वो उसमें हुए थे। क्या नाम आपका? राजा राम नंबरदार, गांव डबुआ। गाँव से लेकर मोंगर तक पत्थर, हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया उसने, नगेंद्र भडाना ने। मैं ST से हूँ, मेरी चौपाल है, 5 साल चक्कर काट रहा हूँ उसके, वहाँ हो जाएगी नंबरदार, हो जाएगी। शमशान घाट है वो अधूरा, वहाँ में कोई छतरी नहीं, कुछ नहीं। मैं उन्हें हाथ जोड़ ले, मैं तेरे पास नहीं आऊँगा, हमारा कोई विकास नहीं हुआ 5 साल में। पहले शिवचंद शर्मा के उसमें विकास हमारा कुछ हुआ था, उसने 4 दीवारी भी करवाई हमारी शमशान की, शमशान घाट की, पर अधूरी रह गई वो, जितना फंड था उसके हिसाब से करवाया। हाँ, और ना कोई हमारे यहाँ सीवर लाइन है, ना नाली साफ करने के लिए आते, जो पार्षद है ना। हाँ, वह फ़ोन कर दीजिए नंबरदार, हम क्यों फ़ोन करेंगे। ठीक है। हाँ, मेरा नाम नोट कर लो, राजा राम नंबरदार डबुआ। ठीक है नंबरदार जी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ स्कूल के, यार आप यहाँ के रहने वाले? स्कूल की हालत गड्ढे में पड़ा हमारा। कौन सा स्कूल? ये सरकारी स्कूल है जो, अच्छा डबुआ का सरकारी, डबुआ का जो सरकारी स्कूल है, ये 8 तक है, इसको 10 तक करवा दिया, बॉडी वाह वाह हो गई हमारी बहन बेटी जो जाती हैं जो बाहर। तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई करने को राजी ने, कौन सुना है? मनमोनी प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं, मनमोनी फीस ले रहे हैं, जो नर्सरी में बच्चा पढ़ेगा ना वाकई भी 1500-2000। अब मोदी जी या चीज़ पर कुछ एक्शन ले तो थोड़ा गरीब आदमी थोड़ा उभर कर ऊपर आ सकता हो, नहीं तो गरीब की कमर तोड़ रखे बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल में कोई जाने को तैयार नहीं, 3-3 फुट गहरे गड्ढे, कौन जाएगा जिस बारिश में पटने, कौन अपने बच्चा ने भेजेगा प्राइवेट स्कूल में? वो मनमानी ले करते हैं। अरे आओ तो सही, हम बात करेंगे आपसे। क्या नाम है? मेरा नाम नवीन है। नवीन, नवीन जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पीछे से तो पलवल का हूँ, लेकिन अभी त्यागी मार्केट में रहता हूँ। त्यागी मार्केट में यहाँ के वोटर हैं? यस। NIT 86 के? पिछले 5 सालों में विकास हुआ नहीं हुआ? मेरे हिसाब से तो कुछ विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ क्यों? क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, नेहरू कॉलेज से पढ़ाई करता हूँ। अभी भी हमने धरना लगा रखा है, हमारा आमरण अनशन भी तोड़वा दिया गया है वहाँ पे। NSUI के आदमी, NSUI के आदमी हूँ। तो जब छात्रों की मांगे पूरी नहीं हो, कांग्रेस वाले हैं आप तो? बिल्कुल कांग्रेस से हूँ। जब छात्रों की मांगे पूरी नहीं हो पा रही है तो विकास ही क्या है? छात्रों से ही तो देश बनता है। छात्री दुखी है तो आम जनता दुखी होगी, आम जनता दुखी होगी क्योंकि बेस्ट असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट बिल्कुल।